हेलो गाइस, हरी ओम, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी विजय ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि की आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं। और आज हम और पति देव रखेंगे फास्ट। मैंने तो रख लिया, नहा धोवा के पूजा पाठ कर आए हैं। जाते हैं हम दोनों लोग हमेशा साथ में ही पूजा करने। बट आज पतिदेव उठे नहीं थे तो मैंने सोचा हम ही पूजा कर लेते, क्योंकि आज भी पतिदेव को जाना है तो हमें बनाना भी पड़ेगा जो भी थोड़ा बहुत फरेली क्या बोलते जी फलहारी सॉरी बोल नहीं पा रहे थे, जवान फिसल रही थी। फलहारी जो भी बनाना है तो वो तो बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि हम नहा धोवा के पूजा पाठ कर लेते हैं। इनका वेट करेंगे तो फिर लेट भी हो जाएगा, तो इसलिए पूजा जो कर आए हैं। और अब हम बनाएंगे फलहारी। और हमारे बिहू लाल उठ चुके हैं, मुंह धो के आ गए हैं, इनके पापा ने धुला दिया, फ्रेश हो गए हैं और बैठे हैं यहाँ पर, फ़ोन देख रहे हैं। ये देखिए बेटू है ना, ये देखो, हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, पर ठीक क्या कहेंगे, पहले से कुछ हद तक ठीक है, पूरी तरीके से नहीं ठीक है। तो देखते हैं, दवाई ले रहे हैं, इनकी फिर से जाना है, दिमाग में है कि जाना है, बट देखते हैं। हाँ, देखते हैं, शायद कल ही जाना पड़े क्योंकि आज तो छुट्टी है। हाँ, आज छुट्टियाँ हैं तो शायद डॉक्टर ना ही मिले। और देखते हैं, कल जाएंगे पतिदेव के साथ दिखवाने बाबू को और लाएंगे दवाई। सो अभी तो चलते हैं, जो भी नाश्ता बाबू के लिए बनाना है वो बनाएंगे और फलहारी बनाएंगे, थोड़ी सी चाय बना के पी लेंगे और चलते हैं फटाफट से फलहारी बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बनाया मैंने थोड़ा सा आलू, जीरा आलू, और इसको फ्राई किया थोड़ा सा मूँगफली दाल मखाना, और यहाँ रख दिया है थोड़ी सी गाजर और ये थोड़ा सा अनार। हाँ, अनार। तो इसको सबको मैं थोड़ा थोड़ा सा पैक कर दूँगी, तो ये थोड़ा थोड़ा सा पतिदेव के लिए पैक कर देंगे। और फलहारी जो मूँगफली और दाल मखाना बनाया है तो अभी बनाएंगे हम चाय और पतिदेव को नाश्ते पे दे देंगे और थोड़ा सा हम भी खा लेंगे, पहले भगवान को चढ़ा देंगे उसके बाद। तो चलते हैं, अभी भी काम फटाफट निकाले, पतिदेव घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सलोनी, क्या कर रही हो? बर्तन घिस रहे हैं आपके घर के। प्रमोशन हो गया तुम्हारा? बर्तन घिसने के लिए। साहबों वाली नौकरी है या और क्या? कितने बढ़िया बता रहे हो ना, बर्तन वाले साहब, मेन साहब, मेन साहब। हाँ, नमस्ते, मैं आपके घर की मेन साहब है, वो भी बर्तन वाली। उसके बाद बर्तन घिसने के बाद घिसेंगे क्या पता? ऐसे ऐसे बोल दो ना तो औरतें खुश हो जाती कि हम साहब हो गए हैं। अच्छा, ये साहब वो वाला काम है तो अच्छे से काम करती हैं औरतें फिर। ऐसी तारीफ ना करो कि हम बर्तन ही घिसते रह जाए। और इसके बाद पता है क्या घिसेंगे बाबू को? ओ भैया, भाई साहब फोन दीजिए, अब बस बहुत हो गया, अब चलिए उठिए उठिए, बेड छोड़िए, अब बेड छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल उठिए उठिए, चलिए बाहर खेलिए कूदिए घूमिए, कॉपी किताब नहीं पढ़ना है, कल जाना है तुमको इंटरव्यू देने। ये नहीं पढ़ाई लिखाई कुछ कर लें। हाँ सलोनी, तो फिर हम चले हैं, जा रहे हैं भैया। तो बोल देना कि आ रही है, पहले अपने लड़के से हमको फोन तो दिलवाओ। मांगा तो देगा, हमारे वो सुनता फिर क्या था, मांगे तो देगा। बिट्टू पापा का फोन दे दो, ला पापा का फोन दो, और ला सुन चुके तुम्हारे लाला। टीवी बंद कर दिए। हाँ, टीवी बंद कर दो, टीवी थोड़ी देख रहा है, टीवी तो हम देख रहे थे।
एक खुशखबरी की बात है असल में। क्या? पीएम मोदी ने 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं। ओह माय गॉड, इलेक्शन है ना। ओ। आज वो है ना वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, बर्तन वाली मैडम जी बना के हैप्पी वुमेन्स डे। अरे यहाँ से मिला लो। हम लोग ऐसे ही मिला लेते हैं, लड़के लोग किसी का हाथ गंदा होता है, कुछ कर रहा होता है तो ऐसे मिला लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी मिला सकती है वहाँ ऐसे ऐसे। तो रूफल लड़के मिलाते हैं। भाई जो लड़के लोग ऐसे मिलाते होंगे मेरी वीडियो जो लोग देखे वो बुरा मत मान जाइएगा कि हमने रूफल लड़के बोल दिया, मतलब कॉलेज वगैरह वाले लड़के ऐसे करते हैं, बुरा मत मान जाइएगा सुन के या देख के कि मतलब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, हरिओम हरिओम। ओ फ्रेंड्स, मैंने लगाया पैरों में आलता, आलता लगाकर बड़ा मज़ा आया। मतलब आलता लगा के सब सोचेंगे कि मज़ा क्या है इसमें, मज़ा इसलिए कि मतलब आलता लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आलता और एक पैरों में नेल पेंट। हाथ में नेल पेंट मैं बहुत कम, ना के बराबर लगाती हूँ, बट पैर में नेल पेंट और आलता मुझे बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो व्रत होता है, पूजा पाठ होती है तो खास तौर पे लगाते, वैसे तो लगा नहीं पाते, टाइम भी नहीं मिलता, बट व्रत व्रत में खास तौर पे लगाते, कोशिश करते कि कहीं घूमने जाए तो भी लगा ले, बट मैनेज कर पाते तो ही लगाते, नहीं कर पाते तो नहीं लगाते। अभी फ़िलहाल के लिए हम जाएंगे बाबू की फ़ोटो लेने, कल गए थे तो उन्होंने नहीं दिया था, तो अभी जाएंगे लेने और लेके आएंगे, उसके बाद करेंगे कपड़े प्रेस, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पतिदेव आज आ चुके हैं जल्दी घर और हम बना रहे हैं यहाँ इनके लिए भोजन। आज पतिदेव हैं व्रत तो करेंगे भोजन, पूजा करेंगे। हाँ हाँ, जा रहे हैं, हाथ जला देना एक बत्ती, हाथ मुँह धो लीजिए, मेरे लिए लाए बक्की, हम तो वैसे भी फास्ट है ना, एक मैंने दो देखा ना तो मैं सोचा एक मेरे लिए लाए हो। और यहाँ लगे हैं कपड़े ढेर झोले में, कपड़े बेड में से निकाले हैं मैंने गर्मी के, झोला कह रहा है वो झोले में कपड़े बांध के सब बेड में डाल दिया था, वही निकाला है ढूंढ ढांड के। सवेरे से आऊं है क्या, ध्यान नहीं दिया मैंने, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान कहाँ देती हूँ, तो कहाँ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेरा आप पे रहता है तो कहाँ घर पे ध्यान रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं ना, इसलिए हमारे बाहर रहते हैं इसीलिए तो ध्यान रहता है। घर में रहे तो ज़्यादा ध्यान ना रहे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर रहते हैं इसीलिए ध्यान रहता है, कब आएंगे घर, कब आएंगे घर, समझा करिए। चाय पियेंगे, हाँ यार अभी खाने में तो टाइम है, पी लेंगे चाय। चाय के लिए भला ही मना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो एक तरफ सब्जी चढ़ा देते एक तरफ चाय। तो चढ़िए यहाँ मेरी सब्जी, टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, उसके बाद आलू उबाल के रखे हैं वो भी डाल देंगे, और सब्जी तो ये वाली फटाफट से बन जाती है तो फटाफट से सब्जी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए चढ़ाते एक तरफ चाय और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, खाना बनकर हो गया है तैयार और मैंने बनाया है ये, क्या बोलेंगे इसको, पराठा, छोटा छोटा पराठा, आप लोग चाहे इसको पूड़ी भी बना सकते हो। और इधर बनाया आलू और इधर लाए हैं दही, और अब पतिदेव खाना करेंगे स्टार्ट और बताएंगे कि कैसा बना है रोटी। ये पराठा मेरी मम्मी ने मुझे बनाना सिखाया है, आलू डाल के बनाओ, आलू का पराठा जैसा लगता है, अच्छा लगा, अच्छा, गुड गुड गुड, थैंक यू। भूख तो अब बहुत तेज लग रही है, इसे चलते हैं अब हम भी निपटारा करते हैं खाने का, और जो जो फास्ट है वो भी आ जाइए हमारे यहाँ व्रत को खोलने, क्या बोलेंगे, फास्ट खोलने, व्रत खोलने, बातें
तो चलते हैं, हम भी खाते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरिओम।